कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट होता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए जहां पर मैंने मेरे टॉप 3 सनस्क्रीन को मेंशन किया है। कई बार जब हम सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जैसे कि ये पीए रेटिंग क्या है, एसपीएफ का मतलब क्या है और गुड स्टार रेटिंग क्या है। तो आइए जानते हैं सनस्क्रीन को चूज करने का सबसे इजीएस्ट वे। प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप है कि आप अपने सनस्क्रीन के स्पेसिफिकेशंस पढ़िए। स्पेसिफिकेशंस में पीए रेटिंग होनी चाहिए और पीए रेटिंग प्लस 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 यानी ट्रिपल प्लस होनी चाहिए या उससे ज्यादा। अब आते हैं SPF पर। SPF कम से कम SPF 30 होना चाहिए और SPF 30 सबसे बेस्ट SPF अवेलेबल है। अगर आप 30 से कम लेते हैं तो प्रोटेक्शन काफी कम रहेगा, अगर आप 50 से ज्यादा लेते हैं तो आपके पैसे बर्बाद होंगे। अब इन सारी चीजों के जानने के बाद भी शायद PA 4 प्लस रेटिंग या SPF 50 प्लस रेटिंग की हर सनस्क्रीन आपको सूट ना करे, तो आपके स्किन टाइप के अनुसार आपको अपनी सनस्क्रीन चूज करनी चाहिए। सनस्क्रीन में भी कई सारे प्रकार आते हैं, जैसे कि केमिकल सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन या फिर हाइब्रिड सनस्क्रीन। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या ज्यादा ऑयली है तो आप एक्वा जेल सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं जो वाटर बेस्ड होते हैं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू नॉन सेंसिटिव है तो आप इन तीनों में से कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप लोशन फॉर्म्स की सनस्क्रीन को यूज कर सकते हैं जो मोस्टली केमिकल सनस्क्रीन में आते हैं। मेरे टॉप 3 सनस्क्रीन हैं। पहला है सोला सेव सनस्क्रीन, दूसरा है सनहील अल्ट्रा मैट जेल सनस्क्रीन और तीसरा है एक्ने यूवी जेल सनस्क्रीन। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।